माँ की बातें ढाका के श्री ललित मोहन साहा से वार्तालाप 1915 में एक दिन उद्बोधन में मैं श्री श्री माँ का दर्शन करने गया प्रणाम करके खड़े होने पर माँ ने कहा ठाकुर की सचमुच में सत्य के प्रति कैसी निष्ठा थी हम लोगों में वैसा कहाँ है ठाकुर कहते थे कलयुग में सत्य ही तपस्या है सत्य को पकड़े रहने से ईश्वर की प्राप्ति होती है अगले वर्ष जयराम बाटी में एक सन्यासी भक्त के नैराश्य पूर्ण पत्र पर विचार करते हुए माँ अचानक गंभीर भाव से जोर देकर कहने लगी यह क्या ठाकुर का नाम क्या केवल शब्द मात्र है जो यूं ही चला जाएगा यह नाम किसी प्रकार व्यर्थ नहीं होगा जो ठाकुर को ग्रहण कर यहां आए हैं उन्हें इष्ट दर्शन होगा ही होगा यदि और किसी समय नहीं हो तो अंत में मृत्यु के पहले तो निश्चित रूप से होगा ही होगा 1918 में एक दिन रविवार को मन की चंचलता को लेकर ठाकुर और मां के प्रति मेरे मन में बहुत क्षोभ हुआ मैंने निश्चय किया कि अब मां के पास नहीं जाऊंगा लेकिन मित्रों के आग्रह पर उद्बोधन जाना पड़ा जाकर देखा बहुत से भक्त लोग माँ को प्रणाम करने के लिए खड़े हैं उन लोगों ने एक एक कर माँ को प्रणाम किया लेकिन माँ ने किसी से भी बातचीत नहीं की सबके बाद मेरे प्रणाम करते ही माँ ने अत्यंत स्नेह से कहा ठीक हो मैं शोभ में भर कर बोल उठा हाँ माँ बहुत अच्छा हूँ उसके उत्तर में माँ साहस से मेरी ओर देखकर बोली यहाँ क्या बेटा मन का स्वभाव ही ऐसा है उसके लिए क्या ऐसा किया जाता है और एक दिन कानून की पढ़ाई के समय माँ को प्रणाम करके मैंने पूछा माँ एक तो मेरा मन ऐसा चंचल है फिर वकालत करने जा रहा हूं उपाय क्या है आश्वासन देती हुई माँ ने कहा भाई की क्या बात है बेटा वहाँ तो व्यवसाय मात्र है मात